हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में जो हम एमसीक्यूज आपके डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं आपके रिलेटेड टू ज्योग्राफी। ठीक है जी, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ बात हो रही है आपके लेबनन रिफॉर्म रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क के बारे में, इसे 3RF भी कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स आपको यहाँ दी गई हैं, आपको बताना है कौन कौन सी करेक्ट हैं। ठीक है जी, सबसे पहली स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि ये एक पार्ट है कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स टू मैसिव एक्सप्लोजन ऑन द पोर्ट ऑफ एफरीन इन 2020। सेकंड में कहा जा रहा है ये आपका यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक ग्रुप द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपका 18 मंथ रिफॉर्म प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने रिसेंटली इसके बारे में सुना होगा, तो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली यहाँ आपकी स्टेटमेंट सेकंड ही करेक्ट है। यहाँ पर ये आपका पोर्ट ऑफ एफरीन नहीं, आपका पोर्ट ऑफ बेरूत है। या जो आपका एफरीन वाली जो लोकेशन की बात की जा रही है ये आपकी सीरिया में है। ठीक है जी, तो बिल्कुल ज्योग्राफी ओरिएंटेड क्वेश्चन था ये आपके लिए। सो बेसिकली जो आपका ये 3RF है, ये पीपल सेंटर्ड रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क है, जिसका फोकस रहेगा ऑन अ पीरियड ऑफ 18 मंथ, जिसके चलते एक इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ के साथ मीडियम टर्म रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स भी रखे जाएंगे टू पुट लेबनन ऑन द पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बेसिक से एम के बारे में बात करें तो हेल्प करेगा लेबनन को इन अचीविंग 3 सेंट्रल गोल्स। वो क्या है? रिफॉर्म, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन, इन रिस्पॉन्स टू, तो जो उनके वहां पर बेरूत में जो पोर्ट एक्सप्लोजन हुआ था उसी से रिलेटेड है ये। अगर उन 3 सेंट्रल गोल्स को डिटेल में डिस्कस करना हो तो सबसे पहला क्या है, पीपल सेंटर्ड रिकवरी होगी, जिसके चलते जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उन्हें सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स की तरफ दोबारा रिटर्न किया जाएगा। सोशल जस्टिस इंप्रूव किया जाएगा सभी के लिए, इंक्लूडिंग वुमेन एंड द पुअर और जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं। साथ के साथ एक पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग एंश्योर की जाएगी। ठीक है जी, दूसरा इसमें क्या है कि जितने भी क्रिटिकल एसेट, सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिकंस्ट्रक्शन की जाएगी, ताकि इक्वल एक्सेस फॉर ऑल प्रोवाइड की जा सके टू क्वालिटी बेसिक सर्विसेज एंड एनेबल्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है जी, थर्ड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली यही है कि रिकंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करना, साथ के साथ जो लोगों का ट्रस्ट है गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस में उसको दोबारा रिस्टोर करना बाय इंप्रूविंग गवर्नेंस। बेसिकली आपका 3RF फ्रेमवर्क है। ठीक है जी, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बात हो रही है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी को रिसेंटली ही 100% ऑर्गेनिक स्टेटस दिया गया है। इज इट जम्मू कश्मीर और लद्दाख और लक्षद्वीप और पुडुचेरी। काफी सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिटिंग नेचर का है। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा, तो वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली यहाँ आपकी करेक्ट ऑप्शन है लक्षद्वीप। अंडर द पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम ऑफ इंडिया, तो जो आपके जितने भी लक्षद्वीप के जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसे डिक्लेयर कर दिया गया है एज एन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल एरिया। तो लक्षद्वीप आपकी पहली यूनियन टेरिटरी है टू बिकम 100% ऑर्गेनिक, क्योंकि जितनी भी फार्मिंग वहां कंडक्ट की जाती है तो वहां पर जो आपकी सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हैं उनका बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, जिसके चलते सेफर फूड चॉइसिस के लिए एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ के साथ एग्रीकल्चर को और एनवायरमेंटल फ्रेंडली एक्टिविटी बनाया जा रहा है। ठीक है जी, सिक्किम सबसे पहला आपका 100% ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर किया गया था 2016 में। इसका जो 32 स्क्वायर किलोमीटर का जो ज्योग्राफिकल लैंड एरिया है इस यूनियन टेरिटरी का, तो इसे डिक्लेयर कर दिया गया था एज एन ऑर्गेनिक आफ्टर रिसीविंग रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस एंड डिक्लेरेशंस, जो कि केंद्रीय सरकार की स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर। ठीक है जी, एक बेसिकली आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग इंप्रूवमेंट एक प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसके बारे में भी जरूर पढ़िए आप। बेसिकली इसमें जो यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन, उनका काफी बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने एक यूनिफॉर्म बैन इम्पोज कर दिया था ऑन द सेल, यूज एंड एंट्री ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। ये आपका शुरू कर दिया था इन्होंने अक्टूबर 2017 से, ताकि जो इनके आइलैंड्स हैं इन्हें केमिकल फ्री जोन बनाया जा सके। ठीक है जी, तो बेसिकली अब बेनिफिट्स क्या है कि एक बेटर मार्केटिंग हो पाएगी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, जैसे कि आपके डेसिकेटेड कोकोनट और कोकोनट मिल्क हो गए। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक टैग इट विल अलाउ फार्मर्स टू रियलाइज अ प्रीमियम फॉर द फार्म प्रोड्यूस। ठीक है जी, जो आइलैंड के कोकोनट फार्मर्स हैं उन्हें भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि उन्हें बेनिफिट मिलेगा फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम फॉर फूड प्रोसेसिंग। इसी के चलते जो पूरा आइलैंड है उसे कंसिडर किया गया है एज अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट और कोकोनट ऑयल को आइडेंटिफाई किया गया है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है जी, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बात करें, जो प्रोडक्शन है कोकोनट की वही
आपकी बेसिकली मेजर क्रॉप है आइलैंड्स में एंड इट रिमेन्स आइडल फॉर 6 months। और इसी के चलते जो कोकोनट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो सिर्फ 6 महीने के लिए ही काम करती है वहां पे। और जो ये टाइम पीरियड है बिटवीन मई टू दिसंबर, इस दौरान जो ये इंडस्ट्री है वहां पर, ये बेसिकली एक तरीके से स्टैंड स्टिल रहती है, इनके पास कोई और काम नहीं होता है। ठीक है जी, इसी के चलते जो आइलैंड की एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्लान कर रही है टू इंट्रोड्यूस ड्रायर्स एंड अदर मशीनरी सो दैट दे कैन यूटिलाइज द नट्स इवन ड्यूरिंग दिस स्टैंड स्टिल पीरियड। ठीक है जी, सो बेसिक सी डिटेल्स थी अबाउट दिस यूनियन टेरिटरी और क्या क्या इन्हें बेनिफिट्स होंगे विद दिस ऑर्गेनिक टैग। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बात हो रही है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के बारे में और ये आपसे पूछा जा रहा है ये किस चीज से रिलेटेड है। आपने रिसेंटली ही न्यूज में इसके बारे में सुना होगा। ठीक है जी, पहली ऑप्शन में कहा जा रहा है ब्रेग्जिट, सेकंड में कहा जा रहा है रेफरेंडम रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके, थर्ड में कहा जा रहा है ड्रग एक्सपायरी स्टैंडर्ड्स के बारे में है, या फिर आपका टैकलिंग इनइक्वालिटी से रिलेटेड है जो कि यूएन का प्रोग्राम है। ठीक है जी, 4 ऑप्शन दी गई हैं, आपने जरूर सुना होगा इसके बारे में करंट अफेयर में, तो वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो बेसिकली ये आपका रिलेटेड टू ब्रेग्जिट है। ब्रेग्जिट के बाद से जो नॉर्दर्न आयरलैंड की एक 310 माइल की जो बॉर्डर है विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो ये सिर्फ एक ही लैंड बॉर्डर बची है बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है जी, सो एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, तो उसके चलते जो गुड्स जो मूव कर उन्हें चेकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अलोंग द आयरिश बॉर्डर जब आपका ये नया यूके ईयू रिलेशनशिप शुरू हो जाएगा फ्रॉम January 1st। ये बॉर्डर का जो इशू है काफी सेंसिटिव इशू है बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, और कुछ एग्रीमेंट्स भी बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर पीस बना रहे, जिसके चलते जो विजिबल साइंस ऑफ बॉर्डर है वो भी हटा दिए गए हैं। तो इसमें डर क्या है कि अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है जैसे कि आपके कैमरे या बॉर्डर पोस्ट, तो एक तरीके से वो टारगेट बन जाएंगे और जिसकी वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी उस रीजन में आ सकती है। ठीक है जी, जैसे कि आप देखते हैं यूनाइटेड किंगडम का ये जो एरिया मेंशन है आपका येलो कलर में, तो इसमें जो नॉर्दर्न आइलैंड है ये बिल्कुल डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करता है आपके आयरलैंड के साथ। ठीक है जी, बेसिकली ये जो आपका नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल है जो कि नेगोशिएट किया गया है यूके प्राइम मिनिस्टर द्वारा लास्ट अक्टूबर में, तो ये एक पार्ट है विड्रॉल एग्रीमेंट का। ठीक है जी, सो बेसिकली इस प्रोटोकॉल के चलते जो आपका नॉर्दर्न आइलैंड है वो यूरोपियन यूनियन के कस्टम रूल्स को ही फॉलो करेगा और उन्हें ही एनफोर्स करेगा, जिसके चलते जो भी आपके गुड्स ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड इनटू द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, तो उसमें किसी भी तरीके के चेक्स नहीं होंगे। ठीक है जी, ये प्रोटोकॉल बेसिकली आपका 1 जनवरी 2021 से शुरू हो जाएगा, जब ये जो नई ईयू यूके रिलेशनशिप है तब से ये शुरू हो जाएगी। तब तक यूके उसी ट्रांजिशन पीरियड में काम करेगा जैसे ईयू के साथ वो अभी तक करता आ रहा है, अर्थात जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स हैं वो वैसे रहेंगे। हालांकि जो आपका नॉर्दर्न आइलैंड है ये यूरोपियन यूनियन के रूल्स ही फॉलो करेगा, बट रेस्ट ऑफ द यूके विल स्टॉप डूइंग आफ्टर 31st December। ठीक है जी, तो इसके आधार पर टू कंप्लाई विद द यूरोपियन यूनियन रिक्वायरमेंट्स कुछ चेक्स किए जाएंगे ऑन सर्टेन गुड्स जो कि आपके नॉर्दर्न आइलैंड में एंटर करेंगे फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है जी, स्कॉटलैंड इंग्लैंड और वेल्स वाले एरिया से, जिसके चलते आपकी आयरिश सी में एक रेगुलेटरी एंड कस्टम्स बॉर्डर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है जी, सो बेसिक डिटेल्स थी अबाउट दिस नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिटिंग नेचर का है, आपसे पूछा जा रहा है जो आपका सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, उसके कौन कौन से मेंबर स्टेट्स हैं। 6 ऑप्शन यहाँ मेंशन है, उसी से रिलेटेड कोड यहाँ मेंशन है, बहुत इजी क्वेश्चन, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली इसमें आपकी म्यांमार इंक्लूडेड नहीं है, बाकी 5 कंट्रीज आपकी सार्क की मेंबर स्टेट्स हैं। तो रिसेंटली ही ऑन December 8 36 चार्टर डे एनिवर्सरी ऑफ सार्क वॉज ऑब्जर्व। ठीक है जी, सार्क के बारे में बात करें तो एक तरीके की आपकी रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और एक जियो पोलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स है इन द साउथ एशिया। बाकी के मेंबर स्टेट्स जो आपके ऑप्शन में नहीं थे वो थे आपके भूटान, श्रीलंका एंड नेपाल। ठीक है जी, चार्टर के बारे में बात करें तो इस चार्टर के आधार पर ये एसोसिएशन एस्टैब्लिश की गई थी ऑन December 8, 1985 बाय द सार्क हेड्स ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट्स ड्यूरिंग द फर्स्ट समिट मीटिंग इन ढाका। ठीक है जी, अफगानिस्तान इसका न्यूएस्ट मेंबर है सार्क का एट द 13th Annual Summit in 2005, ये भी आपको स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर्स और जो सेक्रेटरिएट है इस एसोसिएशन के वो आपके काठमांडू नेपाल में है। इंपॉर्टेंस क्या है सार्क की, तो बेसिकली जो सार्क नेशंस हैं दे कंप्राइजेज ऑफ 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया, 21% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 3.8% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। काफी सिग्निफिकेंट
फैक्ट है ये, साथ के साथ इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन एंड वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एरियाज। कॉमन चीजें क्या है जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं सार्क में, कि जैसे बेसिकली आपका ट्रेडिशन हो गया, ड्रेस हो गया, फूड एंड कल्चर, पॉलिटिकल एस्पेक्ट। वहीं अगर कॉमन इश्यूज के बारे में बात करें तो जैसे पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन, नेचुरल डिजास्टर्स, तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी सिग्निफिकेंट ग्रुप हैं, इनके इंटरेस्ट्स अलाइन करते हैं, इसीलिए जितने ही मेंबर स्टेट्स हैं वो आपस में काफी अच्छे रिलेशंस बनाते हुए उन्होंने सार्क की स्थापना की। ठीक है जी, सो बेसिक डिटेल्स थी आपकी रिलेटेड टू सार्क। भाई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ बात हो रही है जगनन्ना जीवा क्रांति स्कीम के बारे में, ठीक है जी, और आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ करेक्ट हैं। पहले में कहा जा रहा है कि ये आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है उन्होंने लॉन्च की है स्कीम। सेकंड में कहा जा रहा है ये वेमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है। थर्ड में कहा जा रहा है इस स्कीम के आधार पर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी शीप एंड गोट यूनिट्स अंडर द बजट आउटले ऑफ 1869 करोड़। ठीक है जी, तीन स्टेटमेंट दी गई है, आपने स्कीम के बारे में जरूर सुना होगा, तो वीडियो पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली यहाँ पर आपकी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गलत है कि आपकी तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम नहीं, ये आपकी आंध्र प्रदेश सरकार की स्कीम है। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव स्कीम का यही है कि वेमेन की हेल्प की जाए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, अपने परिवार को सपोर्ट कर सकें, एक तरीके की इनकम जनरेट करने का ये प्रावधान किया गया है थ्रू डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, ताकि जो फार्मर्स की फैमिलीज हैं उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके एट द टाइम ऑफ ड्रॉट एंड फेमाइन, ताकि वो सस्टेन कर सकें। ठीक है जी, यहाँ डिटेल्स यहाँ मेंशन है क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगी सरकार। ठीक है जी, हालांकि ये इतने लार्ज नंबर ऑफ शीप्स और गोट्स को प्रिक्योर करना काफी मुश्किल है, तो ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की जाएगी आपके तीन फेजेस में। ठीक है जी, इसमें जो आपकी विमेन एससी एसटी बैकवर्ड क्लासेस या अदर माइनॉरिटी से जो बिलोंग करती हैं उन्हें एक्स्ट्रा 75,000 प्रोवाइड किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, ताकि वो उस अमाउंट को यूज कर सकें एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर स्टेबल रिकरिंग इनकम सोर्स। ठीक है जी, और साथ के साथ इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने एक एमओयू साइन किया है अलाना ग्रुप के साथ टू प्रोक्योर शीप एंड गोट्स एंड मार्केट द मीट प्रोडक्ट, ताकि एक स्टेबल मार्केट प्रोवाइड की जा सके फॉर द बेनिफिशरीज ऑफ जगनन्ना जीवा क्रांति स्कीम। ठीक है जी, सो बेसिक सी डिटेल्स से रिलेटेड टू दिस स्कीम। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं। आई होप आप में से सभी ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली आप दिन के 5 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी काफी अच्छी प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक है जी, तो जाते जाते एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की जो हमारा पंजाब पीसीएस 2020 का जो कोर्स है उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी और जो कोर्सेज से रिलेटेड हमारी इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो आज लाइव हो चुकी है, पब्लिश कर दी गई है, आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं जो भी हमारे भाई बंधु पंजाब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है जी, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।